हेलो गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस योर एक्सरसाइज सिक्स डी इट्स सेकेंड सम इज आवर फैमिली वेंट टू सी ए मूवी इन ए हॉल एक हमारी फैमिली एक हॉल में मूवी देखने के लिए गई द मूवी स्टार्टेड एट थ्री पॉइंट थ्री जीरो पी एम इट मीन साढ़े तीन बजे जो पी एम है आपके उस टाइम पर मूवी स्टार्ट होती है और एंडेड होती है आपकी सिक्स पी एम पर तो कितने हाउ मच टाइम डेढ़ वी स्पेंड इन द हॉल कितने टाइम तक हम हॉल में रहे द मूवी स्टार्टेड थ्री पॉइंट थ्री पी एम एड थ्री ओ क्लॉक थर्टी पी एम पर आपकी मूवी स्टार्ट होती है और वो मूवी सिक्स पी एम पर एंड होती है तो हमारा जो टाइम है वो स्पेंड हुआ है अगर हम सिक्स पी एम से थ्री पॉइंट थ्री पी एम को माइनस करें तो हमें पता चलेगा कितना टाइम मैंने स्पेंड किया है या फिर थ्री पॉइंट थ्री में जोड़ते जाएँ सिक्स तक सेम आंसर आएगा तो यहाँ पर हम जब हमने माइनस करके देखा सिक्स पी से थ्री पॉइंट थ्री पी से ये माइनस नहीं हो रहा था ओके तो हम क्या करेंगे इसको दूसरे तरीके से लिख देंगे इसको यहाँ पर फाइव आवर्स और सिक्सटी मिनट सिक्स आवर को क्या लिख सकते हैं फाइव आवर सिक्सटी मिनट तो फाइव आवर सिक्सटी मिनट हमने लिख लिया और तभी इसको माइनस किया तो हमारा कितना आया थर्टी मिनट नेक्स्ट समय कुकी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एट थ्री पी एम तीन बजे वो स्कूल से आती है कुकी आती आता है आगे पता चलेगा ही आता है तो गोज टू स्लीप एट टेन पी एम और दस बजे वो सोने के लिए जाता है यानी सो जाता है हाउ मच टाइम इज ही अवेक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल तो कितना टाइम उसने बिताया है जब वो स्कूल से आया और सोने तक का समय कितना है तो हम ऐसे ही बिल्कुल आसानी से सोल्यूशन कर देंगे क्योंकि कम्स फ्रॉम स्कूल थ्री पी एम तीन बजे वो स्कूल से आया था और गोज़ टू स्लीप सोने के लिए गया दस बजे तो टाइम उसने जो स्कूल से सोने के बीच का टाइम उसका क्या है अवेक जगते रहने का टेन पी एम से हमने थ्री पी एम को माइनस किया तो सेवन पी एम ओ सेवन आवर्स ना की पी एम ये आपकी कितने आए सेवन पीएम नहीं आएगा आपका सेवन आवर्स आएंगे सात घंटे बिताए यहां पर देखिए दिसंबर वेकेशन स्कूल स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट मई एक मई से स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां शुरू होती हैं और एंड द री रीओपन और स्कूल दोबारा से रीओपन होते हैं एक जुलाई से तो कितना हाउ लॉन्ग द स्कूल क्लोज कितने समय तक बंद रहे स्कूल डेज में बताना है और मंथ में दसम्बर वेकेशन स्टार्टेड एक मई एक मई से स्टार्ट होती हैं और मई में थर्टी वन डेज होती हैं दसम्बर वेकेशन एंडेड मतलब ख़त्म हो जाती हैं कब एक जुलाई को और जुलाई में थर्टी डेज होते हैं तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो सिक्सटी वन डेज तो आपका डेज में सिक्सटी वन डेज आपका स्कूल बंद रहा और वेकेशन इन मंथ अगर मंथ में हम देखें तो टू मंथ्स भाई वन मंथ ये और टू ये वन सेकेंड फर्स्ट सेकेंड वन टू तो कितने मंथ्स टू मंथ्स आपका स्कूल बंद रहा तो इस प्रकार से आपको इन सम्स को नोट डाउन करना है अपनी फेयर नोट कॉपी में और प्रैक्टिस करनी है ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे